हम एक्टिविटी चैनल आज हम बात करेंगे दिसंबर के धमाकों के बारे में, यानी दिसंबर महीने के अंदर जितने भी मूवीज यहाँ पर रिलीज होने वाले, जितने भी मूवीज यहाँ पे क्लैश ऑफ करने वाले। तो आज इस वीडियो के अंदर हम क्लैश ऑफ के बारे में बात करेंगे। ऐसे दो मूवीज है जो कि एक साथ यहाँ पे क्लैश ऑफ करने वाले हैं। पहले है जिस मूवी का पूरा इंडिया वेट करे, यानी ओडिशा इंडस्ट्री की मच अवेटेड मूवी यानी दमन, जो कि हिंदी के अंदर 16 ऑफ दिसंबर को लगभग ये उसी तारीख को रिलीज होने वाला है और इसी डेट में ही सिनेमा घरों के अंदर दस्तक देने जा रहे। हॉलीवुड की मच अवेटेड यानी कह सकते हो वर्ल्ड की सबसे बिगर मूवी, वर्ल्ड की सबसे कमाने वाला मूवी यानी अवतार 2 अवतार द वे ऑफ वाटर, जो कि 13 सालों के बाद जेम्स कैमरन इसको बना रहे। 2009 में अवतार आया था 10 दिसंबर 2009 को, उसके बाद मैक्सिमम उनको 13 साल लगे इस मूवी को बनाने के लिए। तो सोचो इस मूवी के ऊपर उन्होंने किस लेवल पे काम किया होगा, किस तरीके से काम किया होगा। उनके इंटरव्यू के ऊपर तो उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो मूवी है, जब मैंने बनाया था अवतार, तब वो जो मूवी था उसका जो स्केल था कि सब मूवी से डिफरेंट था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मूवीज आगे आते गए, उनके विजुअल वीएफएक्स से, वो इंडिया की मूवी या फिर बाहर की जितनी मूवीज है, उनके जो विजुअल वीएफएक्स जितने भी चीजें थे वो एक लेवल अप थे। तो वो सोच रहे थे कि उससे भी एक नेक्स्ट लेवल चीजें करें, एंड इसी चीज में जो है उनको इतना टाइम लगा। एंड अब जब उन्होंने ये बनाया मूवी, ये भाई साहब ऐसा होने वाला है कि सबके होश को उड़ा देने वाला है। ये ऐसा 3D वर्जन ये लेके आए, ऐसा विजुअल्स, ऐसा VFX ये क्रिएट किया उन्होंने, भाई साहब ये अलग ही लेवल एक सेट करें, और जो भी देखेगा बस एक ही चीज कहेगा अनबिलीवेबल। मतलब ये एक ऐसा चीज उन्होंने बनाया है जो कि अनबिलीवेबल है, भाई साहब पॉसिबल ही नहीं है जो उन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो 16 ऑफ दिसंबर को यहाँ पे दमन रिलीज होने जा रहा है पूरे इंडिया के अंदर हिंदी वर्जन के साथ, जो कि पूरा इंडिया वेट कर रहा है कि हिंदी वर्जन आएगा और हम देखेंगे उनकी कहानी स्टोरी जिस लेवल पे है। ये ओडिया इंडस्ट्री की एक पहला मूवी है जिससे कि भाई ओडिया इंडस्ट्री का नाम भी हुआ है और लोग जानने भी लगे हैं कि ओडिया इंडस्ट्री के अंदर ऐसे मूवीज बनते हैं। तो दमन मूवी जब ओडिशा लैंग्वेज के साथ 4th नवंबर को रिलीज हुआ था, उसके बाद जितने भी लोगों ने इस मूवी को देख पॉजिटिव रिव्यूज और रिएक्शन निकल के आ रहे थे, उसके बाद ये मूवी जिस कदर वायरल हुआ, जिस कदर ट्रेंड किया, भाई उसका अंदाजा ही नहीं। एंटी कुसी के चलते ये मूवी अब हिंदी के अंदर रिलीज होने जा रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो अभी दमन मूवी के सामने कैसा मूवी रिलीज होने जा रहा है, जिसने इससे पहले पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना नाम का डंका बजा चुका है, सबसे ज्यादा कमाई उसने करके रखा है, सभी रिकॉर्ड को तोड़ मरोड़ के इसने साइड कर दिया है। तो अभी देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि जब दमन और अवतार 2 ये एक साथ रिलीज होगा तब क्या चीज यहाँ पे करने वाला है, क्योंकि ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इसको स्क्रीन्स कितने मिलने वाले हैं। क्योंकि यार दृश्यम 2 और भेरिया जब तक ये रिलीज हुआ है, एंड 16 दिसंबर 15 दिसंबर आते आते इनको स्क्रीन्स भी कम होते रहेंगे, बहुत दिन रिलीज हो जाएगा, तो उसको लेके कोई टेंशन नहीं है। लेकिन टेंशन होगा कि यहाँ पे रिलीज होगा अवतार 2, क्योंकि इसको जिस लेवल पे स्क्रीन्स भी मिलेंगे और जिस लेवल पे लोग इसको देखने के लिए जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मूवी है भाई जिसका वेट पूरा वर्ल्ड कर रहा है, खाली इंडिया नहीं कर रहा, पूरा वर्ल्ड कर रहा है इसका इंतजार। ये जिस लेवल पे तबाही करेगा, जिस लेवल पे रिकॉर्ड बनाएगा ना, ये अलग लेवल माहौल क्रिएट करेगा। और अवतार 2 जिस तरीके का मूवी है, जेम्स कैमरॉन ने जिस तरीके से इसको बनाया है, जिस तरीके से इसको क्रिएट किया है, जिस तरीके से चीजें हमें देखने को मिलेगा, जो 3D वर्जन, जो 3D को देखने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो हमें वो बदल जाएगा इस मूवी को देखने के बाद कि किस तरीके से चीजें होगा। तो भाई वो अलग ही नेक्स्ट लेवल चीज होने वाला इस मूवी के अंदर। और दूसरी तरफ दमन एक ऐसा मूवी है जिसका टॉपिक और जिसका चीजें एकदम टोटली अलग है, बहुत ही कम बजट के अंदर एक ऐसा मूवी यहाँ पे बना के क्रिएट किया जिसने हर नॉर्मल ऑडियंस के दिल को जीत लिया। दमन एक ऐसा मूवी है जिसके अंदर शायद बहुत बड़े बड़े एक्टर्स नहीं है जिनका नाम पूरे वर्ल्ड में दंका बजता हो, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद शायद उन लोगों का नाम भी वर्ल्ड में दंका बजे, और ऐसे इंडस्ट्री से भी बिलोंग नहीं करता जिसका कि बहुत नाम डाक हो, लेकिन इसके बाद शायद हो जाएगा ऐसा ये मूवी है। और ये मूवी भी छाएगा, ऐसा नहीं कि ये मूवी रिलीज हो रहा है इसका मतलब है दमन मूवी नहीं चलेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये भी मूवी चलेगा और ये भी मूवी चलेगा। खाली ये देखना होगा कि स्क्रीन्स इसको कितने मिलेंगे, शायद अवतार जब रिलीज होगा इसको ज्यादा स्क्रीन्स मिले और अपने दमन को थोड़ा कम स्क्रीन्स मिले। लेकिन भाई मैंने कल के वीडियो के अंदर भी कहा था कि दमन को मेकर्स कोशिश करें कि लगभग 500 के स्क्रीन्स, 400 से लेकर 500 स्क्रीन्स के ऊपर रिलीज करें। भाई अगर इसको 300 स्क्रीन्स भी दे दिया जाए ना ठीक तरीके से, ये जिस लेवल तबाही और फोड़ के निकलेगा ना भाई, वो अलग लेवल ही माहौल क्रिएट करे। तो अवतार तो अपने जगह पे एकदम सही है और दमन मूवी अपने जगह पे एकदम सही है। अभी इनको वर्सेस अगर करोगे तो भाई नहीं चलेगा। अभी दमन मूवी 15 तारीख को रिलीज हो या फिर 16 तारीख को रिलीज हो या फिर 17 तारीख को रिलीज हो, भाई रिलीज तो होना ही है। जब भी रिलीज होगा ये अपने अवतार 2 के साथ तो इसको क्लैश अप करने का ही है। तो ये सीन है, अगर 16 तारीख को होता है तो डायरेक्ट क्लैश होगा, अगर 15 या फिर 17 तारीख को रिलीज होता है तो आगे पीछे क्लैश होगा, लेकिन होना
ये एकदम सही है कि होगा ही होगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसमें क्या करना, मुझे कमेंट बॉक्स में उसे बता सकते हो। और मैं इन दोनों को तो भाई वर्सेस मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये अलग ही जॉनर का मूवी है दमन, ये अलग ही मूवी है, इसका फील, इसके इमोशन, ये सभी चीजें अलग है। और अवतार 2 एक अलग ही चीज है भाई, उसको देखने का, एक्सपीरियंस करने का, उसकी स्टोरी लाइन, बाकी जितने भी चीजें उन्होंने अवतार का एक वर्ल्ड क्रिएट किया है, वो अलग ही चीज है, इसके साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। तो दोनों अपने हिसाब से अलग है। तो जब आएंगे, अभी देखना होगा कि किसको कितना ज्यादा चीजें मिलता है। अभी आप लोग इसमें क्या करना, मुझे कमेंट बॉक्स में उसे बता सकते हो। तो हम दोनों ही मूवी को देखेंगे और दोनों ही मूवी को देख के आप लोगों को रिव्यू देंगे, क्या है क्या नहीं है सभी चीजों के बारे में आपको बताते रहेंगे। तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेने का है, आप लोगों को जस्ट इतना करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा के और सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम सपोर्ट करें, आप लोग भी हमें सपोर्ट करें। जो भी आपका ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से देना, मैं हर कमेंट को जरूर से पढ़ने वाला हूं और एक ओपिनियन भी जरूर से करूंगा। आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद है वीडियो लाइक जरूर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।